चलो देखो ध्यान से, ये सभी को डिफिकल्ट एक टॉपिक लगता है ना, जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। पहले कॉन्सेप्ट को समझना, लैक ओपेरॉन। ठीक है, सबसे पहले तुम पूछोगे सर ये लैक का मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक। लैक का मतलब हो गया लैक्टोज। लैक्टोज जैसे तुम शुगर का नाम सुनते हो ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोस, लैक्टोस, तो ये लैक्टोस है। लैक का मतलब क्या? लैक्टोस। ओपेरॉन का मतलब क्लस्टर, झुंड। ओपेरॉन का मतलब है क्लस्टर ऑफ जीन। क्लस्टर का क्या मतलब होता है? झुंड, क्लस्टर ऑफ जीन। तो हमें आज पढ़ना है कि ये ओपेरॉन होता क्या है और क्यों होता है ओपेरॉन, क्या फायदा है इससे। तो ध्यान से सुनो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करो, बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करो पहले ना। इस टॉपिक में दो वर्ड आने वाले हैं, एक वर्ड आएगा स्विच ऑन, एक वर्ड आएगा स्विच ऑफ। स्विच स्विच ऑन वर्ड आएगा और एक वर्ड आएगा स्विच ऑफ वर्ड आएगा। तो टेंशन नहीं लेना, पहले चीजों को समझ लो, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। देखो ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है ना, तुम्हारे रूम में जहां बैठे हो तो एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर, और तुम हो ही नहीं घर में, तुम घर में हो ही नहीं, बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री ना, लेकिन तुम हो ही नहीं, तो एसी की क्या जरूरत है। अरे तुम तो होजाई में सुपर 40 में जाके पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, कोई रहने वाला है ही नहीं, तो एसी को ऑन करना चाहिए या ऑफ करना चाहिए? तुम्हें एसी की जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे रूम में एसी लगा है, ठीक है, और एसी की जरूरत कोई है ही नहीं रहने वाला, तो हम एसी को ऑफ करेंगे ना। अगर ऑन करके रहोगे और वहां रहने वाला कोई लोग है ही नहीं, तो झूठ का बिजली बिल आएगा, झूठ का एनर्जी का खर्च होगा, इसलिए ऑफ करके आए होगे। लेकिन जब अभी तुम घर चले गए, अभी तुम घर चले गए और गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? एसी को क्या करोगे? ऑन कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम अभी मौजूद हो। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आएगा, इसी तरह से हमारे अंदर जीन जो होता है, या तो वो स्विच ऑन रहेगा या तो स्विच ऑफ रहेगा। समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, स्विच ऑन कहने का मतलब जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बन रहा है। तो वो जीन कैसा है, ऑन है या ऑफ है? जब जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, उसे ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, यानी कि वो जीन स्विच ऑन स्टेज में है। आ गया समझ में? इसका उल्टा, जब मैं बोलूंगा स्विच ऑफ, ऑफ कहने का मतलब है उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी एमआरएनए नहीं बनेगा। अगर एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेंगे, और प्रोटीन नहीं बन रहा है, प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो वो बोलेंगे वो जीन कैसा है? ऑफ है। वो जीन कैसा है? ऑफ है। ये समझ में आ गया? क्योंकि ये टॉपिक में बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा, अभी ऑफ था अब ऑन हो गया, तो कंफ्यूज मत होना, ऑन एंड ऑफ में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब सेकेंड चीज, अब सेकेंड चीज तुम बोलोगे कि सर ये लैक ओपेरॉन है क्या? अब तुम्हारे दिमाग में यही चीज आ रहा है बार बार, तो सिंपल भाषा में सीखो, बुकिश नहीं, अभी अभी एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, अभी सिंपल भाषा में तुम्हें सिखा रहा हूं। ये देखिए, ये एक फ्लास्क है, ये एक फ्लास्क है, ठीक। इस फ्लास्क के अंदर ये मान लो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये येलो वाला जो दिख रहा है, पीला वाला दिख रहा है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया लिख देता हूँ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अपने लाइफ चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अरे किसी को भी जिंदा रहना है ना, एटीपी चाहिए ना, तो एटीपी कहां से लाएगा? रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, सबस्ट्रेट चाहिए। तो यहां पर सबस्ट्रेट के नाम पे है ग्लूकोज, ध्यान सुनना, क्या अवेलेबल है बच्चे लोग? ग्लूकोज। फ्लास्क के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज जो है वो आसानी से परमिएबल है, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज जो शुगर है वो आसानी से बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है,
प्योर परमिएबल है, पहले मैं बोल देता हूं परमिएबल है, आसानी से अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर में, वहां जाकर के रेस्पिरेशन करेगा, एटीपी जनरेट करेगा, अपना लाइफ मस्त चला रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसी फ्लास्क में, ध्यान से सुनना, इसी फ्लास्क में अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए, ग्लूकोज खत्म हो गया तो बेटा एनर्जी आएगा कहां से? अगर ग्लूकोज खत्म हो गया, सबस्ट्रेट खत्म हो गया, तो रेस्पिरेशन करेगा किसका? एटीपी कहां से जनरेट करेगा? तो मजबूरी में, लिख देता हूं, मजबूरी में वो लैक्टोज के तरफ जाएगा। यानी इस फ्लास्क में ग्लूकोज भी था और लैक्टोज भी था, लेकिन बैक्टीरिया लैक्टोज को डाइजेस्ट करना पसंद नहीं करता है। वो मजबूरी में, जब ग्लूकोज खत्म हो जाए, याद रखना, जब ग्लूकोज खत्म हो जाए तब मजबूरी में वो लैक्टोज को तोड़ना पसंद करेगा। सर क्यों? लैक्टोज को क्यों नहीं तोड़ना पसंद करता? रीजन बता रहा हूं। सबसे पहली बात, लैक्टोज इम्परमिएबल है। लैक्टोज अगर उसे तोड़ना है और उससे एनर्जी अगर लेना है ना, तो सबसे पहले हमें परमिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, परमिएज, याद सुनना, एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम होगा परमिएज। यानी बैक्टीरिया को सबसे पहले एक एंजाइम चाहिए परमिएज, नाम में ही लिखा है, जो परमिबिलिटी बढ़ाएगा लैक्टोज का। यानी लैक्टोज अब आसानी से अंदर आ सकता है, तो सबसे पहले एक परमिएज एंजाइम चाहिए। अब देखो, सेकेंड, जब लैक्टोज अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया के, तो लैक्टोज होता है डाइमर होता है, आपको अच्छे से मालूम है, मोनोसेक्राइड नहीं है, डाइसेक्राइड है, जिसमें एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। याद आ रहा है हम लोगों को? एक ग्लूकोज होता है, एक गैलेक्टोज होता है, ये डाइमर होता है। अब इस डाइमर आपस में बॉन्ड से जुटे होते हैं, बॉन्ड से जुटा होता है, बॉन्ड का नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमें क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है। अरे इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, टूटेगा तब इसी ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज करेगा। तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। आ गया समझ में? बीटा गैलेक्टोसिडेज ये एक एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस कराएगा। एंसाइटिकल लाइन पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के हेल्प से तोड़ा, जिससे दोनों चीज टूट जाएंगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज। बच्चे यहां पर एक बच्चे का कंफ्यूज हो जाते हैं, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है बीटा गैलेक्टोसाइट, बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। एक वर्ड है बीटा गैलेक्टोसिडेज, वो एंजाइम जो क्या करेगा, जो लैक्टोज में बॉन्डिंग है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बॉन्डिंग है, उसको तोड़ेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइड क्या है एक्चुअली में? बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्टोज का ही एक और नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लैक्टोज का एक और नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड। एनसीईआरटी पढ़िएगा, ये वर्ड मिलेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बीटा गैलेक्टोसाइड क्या है? वो लैक्टोज का एक और नाम। अब देखो ध्यान से, यानी कि अगर ग्लूकोज खत्म हो गया तो बैक्टीरिया को चाहिए दो एंजाइम, एक तो परमिबिलिटी बढ़ाने के लिए परमिएज, और दूसरा चाहिए बीटा गैलेक्टोसिडेज। तीसरा एक और एंजाइम चाहिए जिसका नाम होगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। इसका एग्जैक्ट फंक्शन तो अभी तक अननोन है, एग्जैक्ट फंक्शन तो स्टिल अननोन है, फिर भी नाम में जाए। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, एसिटाइल ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। बीटा गैलेक्टोसिडेज को अच्छे से काम अगर करना है तो उसमें एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एक और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, जो ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप करेगा। कहां करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। अब बताओ ध्यान से, यानी कि मुझे तीन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टेंशन की बात नहीं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने क्या बोला था? ये फ्लास्क लिया था आपने, फ्लास्क में ये बैक्टीरिया था, ये येलो वाला क्या था? बैक्टीरिया।
अगर इस फ्लास्क में ग्लूकोज का अमाउंट खत्म हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर ग्लूकोज घट जाए, खत्म हो जाए, ग्लूकोज फिनिश हो जाए, खत्म हो गया, बैक्टीरिया ग्लूकोज को खाना पसंद करता है, ग्लूकोज अगर खत्म हो गया तो मजबूरी में लैक्टोज को खाएगा। लैक्टोज को डाइजेस्ट करना इतनी आसान काम नहीं है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ना, और हर एंजाइम को बनाने के लिए कोई जीन होगा। तो यहां पास एक जीन होगा जिसका नाम है लैक जेड जीन, जो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये डायरेक्टली नीट के पेपर का क्वेश्चन बनेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या करेगा ये? जो बॉन्ड है बीटा 1,4-ग्लाइकोसिड की, जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, जिससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग हो जाए और बाद में ग्लूकोज को यूज करे वो। पहला चीज। सेकेंड, एक जीन चाहिए जिसका नाम है लैक Y जीन। ये बनाएगा एंजाइम परमिएज। परमिएज, अब बताओ परमिएज क्या करेगा? परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज बढ़ाएगा, यानी कि अंदर में, ये देखो लैक्टोज है, लैक्टोज को अंदर में बढ़ाना है, परमिएबिलिटी को बढ़ाना है। तो बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है? इंसर्ट इन क्या लिखा है? परमिएज इंक्रीज द परमिएबिलिटी फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड। तो बच्चा गड़बड़ कर देता है। गैलेक्टोसाइड क्या होता है सर? तो मैं फिर से बोल देता हूं, गैलेक्टोसाइड कुछ नहीं है, ये क्या है बोलो? ये लैक्टोज का ही दूसरा नाम है। लैक्टोज का ही दूसरा नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड। ठीक है, चलिए अब लास्ट एक एंजाइम जीन चाहिए, एजी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं, एक एंजाइम बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेस। अब देखिए ध्यान से, यानी कि ये मैंने बैक्टीरिया लिया, ये देखिए ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर में ये सर्कुलर शेप का ये डीएनए है, एक ही डीएनए या क्रोमोसोम उसका होता है, आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, एक ही क्रोमोसोम या डीएनए होता है। इस डीएनए पे क्लस्टर ऑफ जीन है, ध्यान सुनना, इस डीएनए पे क्लस्टर ऑफ जीन है, जैसे ZYA जीन है, देखिए यहाँ ZYA जीन है, जिसके हेल्प से लैक्टोज नाम के शुगर को तोड़ा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पास कुछ ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर क्या करेगा बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पास कुछ रेगुलेटर जीन है, यानी कि डीएनए के ऊपर में जीन के गुच्छे हैं, गुच्छा क्लस्टर, जैसे रेगुलेटर जीन है, जैसे वहां पर ऑपरेटर जीन है, जैसे कि यहां पर स्ट्रक्चरल जीन है जिसके हेल्प से लैक्टोज टूटेगा। इसलिए इस पूरे क्लस्टर ऑफ जीन को, जो रेड वाला मैं बना रहा हूं, इसी को एनसीआरटी कहता है लैक ओपेरॉन। जो लैक्टोज नाम के शुगर को तोड़ने के लिए जो जीन के गुच्छे हैं, इस जीन के गुच्छे को, क्लस्टर को ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन क्या होता है? क्लस्टर। हाँ, पुराने जमाने में अंग्रेज लोग ना स्टेज पे परफॉर्मेंस करता था, वहां कुछ संगीत के तरह कुछ बजता था, इसी परफॉर्मेंस को, क्लस्टर जो आदमी लोग परफॉर्म करता था, उसी को ओपेरा कहते हैं। देखना नेट पे ओपेरा क्या होता है। तो बहुत सारे अंग्रेज लोग मिलकर के कुछ अपना डांस परफॉर्मेंस करते, ओपेरा, वहीं से वर्ड आया ओपेरॉन। तो यहाँ पर जीन के गुच्छे लैक्टोज नाम के शुगर को तोड़ रहे हैं, तो नाम पड़ा लैक ओपेरॉन। अब देखना, ध्यान से सुनना, इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर में ट्रिप्टोफान एमाइनो एसिड बनाने के लिए एक ओपेरॉन है। ओपेरॉन मतलब जीन का गुच्छा जो ट्रिप्टोफान तैयार करेगा। तो एनसीआरटी में इसका नाम है ट्रिप ओपेरॉन। एनसीआरटी में इसका क्या नाम है? ट्रिप ओपेरॉन, याद रखिएगा। ट्रिप्टोफान बनाना है तो उसके लिए एक क्लस्टर ऑफ जीन का गुच्छा है, झुंड है, जो मिल करके काम करेगा और ट्रिप्टोफान बनाएगा, तो ट्रिप ओपेरॉन। इसी तरह से यहां पास एक वर्ड आएगा वैल ओपेरॉन। वैल ओपेरॉन वैलिन नाम के एमाइनो एसिड बनाने के लिए क्लस्टर ऑफ जीन है, तो वैल ओपेरॉन। इसी तरह से एक वर्ड आएगा हिस ओपेरॉन, HIS, हिस ओपेरॉन, हिस्टिडीन एमाइनो एसिड बनाना है तो उसके लिए एक ओपेरॉन है, हिस ओपेरॉन। इसी तरह से एनसीईआरटी में एक और वर्ड आएगा एरा एपेरॉन, एराबिनोज शुगर है,
उसे तोड़ना है, तो उसके लिए ओपेरॉन एरा एपेरॉन। तो ओपेरॉन समझ में आया, एनसीईआरटी में ये वर्ड मिलेगा हिसोपेरॉन। हिस्टिडीन अमीनो एसिड बनाना है हिसोपेरॉन, ट्रिप्टोफान बनाना है ट्रिपोपेरॉन, वैल ओपेरॉन वैलिन अमीनो एसिड बनाना है, लैक्टोज शुगर को तोड़ना है। आज हमारा एक ही टॉपिक है, हमें केवल एक ही ओपेरॉन पढ़ना है लैकोपेरॉन, लैक्टोज शुगर को तोड़ना तो लैकोपेरॉन। चलो बताओ यहाँ यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बताओ हैंड रेज करो, यहां तक क्लियर है सभी को, इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बहुत चीजों को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। हाँ बहुत मजेदार टॉपिक है, लोग इसे बोलते बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, वो दिमाग का गेम है केवल। चलो यहां देखो ध्यान से, मान लो बच्चा, लो मान लो फ्लास्क के अंदर में, फिर से मैं कर रहा हूं बच्चा, फिर से मैं बता रहा हूं, फ्लास्क के अंदर में ये देखिए, फ्लास्क के अंदर में, फ्लास्क के अंदर में ग्लूकोज अवेलेबल है, ग्लूकोज अवेलेबल है, ग्लूकोज अवेलेबल है और लैक्टोज भी अवेलेबल है। ध्यान से सुनना, अब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, फ्लास्क के अंदर में ग्लूकोज भी अवेलेबल है और लैक्टोज भी अवेलेबल है। ग्लूकोज अगर अवेलेबल है तो क्या मुझे लैकोपेरॉन चलाना पड़ेगा क्या? अगर ग्लूकोज अवेलेबल है, लैक्टोज भी अवेलेबल है, बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज चाहिए क्योंकि ग्लूकोज सिंपल शुगर है, उसको आसानी से तोड़ देगा, आसानी से परमिएबल है, आसानी से एटीपी दे देगा। तो जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है, मुझे लैकोपेरॉन को, जो लैक्टोज को तोड़ने वाला ओपेरॉन सिस्टम है, जीन का गुच्छा है, उसे ऑफ करके रखना है, स्विच ऑफ करना है। सर कैसे होगा, कैसे ऑफ करें? लैक्टोज अवेलेबल है तो हम क्यों लैकोपेरॉन चलाएं, लैकोपेरॉन क्यों चलाएं? अरे लैकोपेरॉन तो तब चलाएंगे ना जब ग्लूकोज नहीं है, मजबूरी है, लैक्टोज को तोड़ो, तब तो ऑन करेंगे ना, हमें अभी ऑफ करना है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए यहां हमने फिर से ले लिया, देखो तुम्हें समझाने के लिए, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर में ये डीएनए, इसी को आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, इसी को आप डीएनए बोलिए, क्रोमोसोम बोलिए, आपकी मर्जी। इसी के ऊपर में देखिए जीन के गुच्छे हैं, इसी को मैंने कहा लैक ओपेरॉन, यही मैं बना रहा हूं फिगर। तो लैक ओपेरॉन में ध्यान से देखिए, लैक ओपेरॉन में सबसे पहले ये देखिए डीएनए बना दिया मैंने डबल स्टैंडर्ड, सबसे पहले मुझे तीन जीन बनाना है, एक का नाम है लैक जेड जेड, एक का नाम है बच्चा वाई, एक का नाम है ए। आपको इसी क्रम में बनाना है, डायरेक्टली नीट के पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो तीन स्ट्रक्चरल जीन थे उनको अरेंज कीजिए, वाई ए जेड नहीं भूलेगा, जेड वाई और ए। तो ये तीन आपके स्ट्रक्चरल जीन, ये तीन है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है स्ट्रक्चरल जीन। चलिए ध्यान से, जीन का एक और नाम सिस्ट्रॉन होता है जो अभी काम आएगा। अब देखिए यहां पास एक और जीन होगा जिसका नाम है ऑपरेटर, नहीं जानना है अभी, अभी फंक्शन नहीं जानना है, बस याद रखना है कुछ ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर भी एक जीन है, ये क्या करता है कैसे फंक्शन करता है हम लोग बाद में आएंगे। अब यहां पास स्ट्रक्चरल जीन है, तो जीन से आरएनए बनाना है, स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, उसके लिए चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज कहीं भी बाइंड नहीं कर सकता, जीन पे बाइंड नहीं करता, वो जीन से दूर एक स्पेशल साइट होता है प्रमोटर, प्रमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड। तो यानी स्ट्रक्चरल जीन का एक स्पेशल प्रमोटर है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, बोले ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बच्चा गड़बड़ करता है, इससे थोड़े दूर में एक और जीन है जिस जीन का नाम है लैक आई, लैक आई एनसीईआरटी बोलता है लैक आई। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं मानना है, इंड्यूसर नहीं मानना है, इनहिबिटर है। क्या करता है मैं बता रहा हूं, लैक आई एक्चुअली में एक रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है, यही रेगुलेट कर रहा है। जैसे तुम्हारे घर में गैस चूल्हा होगा, जब चाहा बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को घटा दिया, यही तो काम है रेगुलेटर का। और रेगुलेटर बढ़ा घटा सकता है, यही काम कर रहा है। तो यहां पर रेगुलेटर जीन का नाम लैक आई है,
लैक आई क्या कर रहा है, अभी डिटेल में जाएंगे। अब इस लैक आई जीन के लिए भी एक खास प्रमोटर है, तो हमारे पास दो प्रमोटर है, एक प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के लिए है और एक प्रमोटर लैक आई जीन के लिए। लैक आई जीन एक तरह का रेगुलेटरी जीन है। अब केवल रेगुलेटरी जीन बोलो, कोई गड़बड़ नहीं है, चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर पे बाइंड करेगा। प्रमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड। प्रमोटर क्या होता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, आगे बढ़ा और लैग आई से ट्रांसक्रिप्शन कराया और ये बना एमआरएनए 5-2-3-3। यानी कि लैग आई जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और उसने एमआरएनए बना दिया। ये एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम के हेल्प से एक प्रोटीन बनेगा। इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ध्यान से सुनना, इस प्रोटीन का नाम क्या है बच्चा, याद रखना, रिप्रेसर प्रोटीन। नाम में लग रहा है रिप्रेस करने वाला, रोकने वाला, लिख देता हूं रिप्रेसर प्रोटीन। ध्यान से समझना, यही सबसे बड़ा गेम है। रिप्रेसर प्रोटीन साइज में बहुत बड़ा होता है, रिप्रेसर प्रोटीन यहां से चलेगा और जाकर के ऑपरेटर पे जाके ब्लॉक कर देगा, ऑपरेटर पे जाके बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना, रिप्रेसर प्रोटीन चला और कहां जाके बैठ गया बोलो, उसका बाइंडिंग एफिनिटी कहां है, किससे वो जुड़ सकता है, ऑपरेटर से। तो क्वेश्चन आएगा ऑपरेटर क्या होता है, तो बोलिएगा ऑपरेटर वो जगह है जहां रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है, जहां कौन बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। अब देखो गेम समझो, तुम अब गेम समझो, रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था अभी, ये साइज वाइज बड़ा होता है, इतना बड़ा है कि जाके प्रमोटर के जगह को भी एक्यूपाई कर लिया। यानी ऑपरेटर को तो ब्लॉक किया ही किया, वो जाके प्रमोटर से भी जाके जुड़ गया, प्रमोटर के साइड से भी जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। अब बोलो अगर प्रमोटर भी धीरे धीरे ब्लॉक हो गया क्योंकि साइज बड़ा था, तो क्या यहां आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड कर पाएगा, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा। सोचो, मैंने प्रमोटर को भी ब्लॉक कर दिया, बोले सर नहीं, अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा आरएनए पॉलीमरेज, अगर प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या ये स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच पाएगा, बताओ क्या ये स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचेगा। अरे वहां बाइंड ही नहीं करने दे रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, तो क्या ये आगे स्लाइड कर पाएगा, नहीं। अगर ये आगे स्लाइड नहीं करेगा तो बचाओ बच्चा लोग, क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, हाँ या ना में बताओ, क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, बस ये बताओ, यस या नो में बताओ। बोले सर नो, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्या एमआरएनए बनेगा, नहीं। अगर एमआरएनए नहीं बना तो क्या ट्रांसलेशन होगा, क्या यहां पर प्रोटीन बनेंगे, क्या यहां पर ट्रांसलेशन होगा, तो बोलोगे सर नहीं, आरएनए ही नहीं बना तो काहे का प्रोटीन। अगर यहां ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, क्या ये परमिएज, क्या ये ट्रांस एसिटाइलेज, क्या इस एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, क्या ये बन पाएंगे, बोलेंगे सर नो। अगर ये कुछ बनेगा ही नहीं तो सिस्टम क्या हो गया, स्विच ऑन या स्विच ऑफ। आंसर, सिस्टम स्विच ऑफ हो गया है। अब समझ में आई चीजें, एकदम सिंपल था, रिपीट कर रहा हूं एक लाइन में। अरे फ्लास्क के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है, अगर बैक्टीरिया को फ्री फोकट का ग्लूकोज मिल रहा है, तुम्हें फ्री फोकट का पिज्जा पे पिज्जा मिल रहा है रे भाई, तो तुम काहे रोटी खाओगे। अगर तुम्हें पिज्जा मिल रहा है, ले बेटा, सुबह में पिज्जा, शाम में पिज्जा, दोपहर में पिज्जा, 4 बजे पिज्जा, 5 बजे पिज्जा, और रोटी रखा हुआ है, तुम रोटी की तरफ देखोगे भी नहीं। तो बैक्टीरिया के लिए रोटी कौन है, लैक्टोज, और पिज्जा कौन है, ग्लूकोज, आराम से पिज्जा पे पिज्जा मार रहा है ना। अब बोलो तो सर रोटी को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसको तो बंद कर दो ना, रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए R1, और तुम पिज्जा पे पिज्जा मार रहे हो, तो P1 एंजाइम चाहिए पिज्जा को डाइजेस्ट करने वाला,
आर वन एंजाइम क्यों चाहिए, रोटी को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्यों चाहिए, तुम तो खाते ही नहीं हो ना, तुम तो रोजाना पिज्जा ही खा रहे हो, तो हम रोटी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को कैसे ब्लॉक करें। तो हमने क्या किया, रोटी को डाइजेस्ट करने वाला जो ओपेरॉन था उसको ऑफ करना है। हमने क्या किया, एक रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, रिप्रेसर प्रोटीन साइज में बड़ा था, जाकर के ऑपरेटर से ब्लॉक कर दिया, और ऑपरेटर ब्लॉक तो किया ही किया, साथ साथ प्रमोटर भी ब्लॉक हो गया। अगर प्रमोटर ही ब्लॉक हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा नहीं, अगर बाइंड करेगा नहीं तो ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं तो प्रोटीन बनेंगे नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं तो एंजाइम बनेंगे नहीं, एंजाइम बनेगा नहीं तो सिस्टम क्या हो गया, ऑफ। हम यही तो चाहते थे। अब मुझे बताओ किसे किसे ये ऑपेरॉन का ऑफ वाला सिस्टम समझ में आ गया, फटाफट बताओ। अब समझ में आया, इतना टफ नहीं था ना, जितना तुम्हें लगता था कि टफ होता है इतना टफ होता नहीं, ठीक है। तुम अपना सोचो, तुम्हें दिन भर पिज्जा मिल रहा है तो रोटी क्यों डाइजेस्ट करोगे, बेवकूफ होगे तभी ना, दिन भर पिज्जा मिल रहा है तो तुम पी वन एंजाइम पे फोकस करो ना, आर वन एंजाइम क्यों बना रहे हो। चलो, यानी क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से। अब मान लो बच्चा फ्लास्क के अंदर में ग्लूकोज खत्म हो गया, फ्लास्क के अंदर में ग्लूकोज खत्म हो गई, ग्लूकोज नहीं है, यहां पर बच्चा फंसता है, अच्छे से करना, ग्लूकोज खत्म तो मजबूरी, अरे तुझे मिल ही नहीं रहे पिज्जा, तो बेटा मजबूरी में रोटी खाना पड़ेगा, तो यहां पर मजबूरी का नाम है लैक्टोज, मजबूरी का नाम है लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज। ध्यान से सुनना, ग्लूकोज खत्म हो चुका है, मजबूरी है, हमें अब लैक्टोज तोड़ना है, तो लैक्टोज कैसे तुम तोड़ोगे, ध्यान से सुनो, लैक्टोज टूटेगा कैसे, सबसे पहले लैक्टोज को अंदर लेना पड़ेगा। सर अंदर कैसे जाएगा, लैक्टोज तो इम्परमीएबल है। एनसीईआरटी बोलता है कि मान लो अभी किसी तरह से कुछ लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर गए, आपका क्वेश्चन वैलिड है बच्चा, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि सर लैक्टोज अंदर कैसे आएगा, जब लैक ओपेरॉन तो बंद है, लैक ओपेरॉन बंद है, परमिएज एंजाइम तो बन नहीं रहा है, तो लैक्टोज आया कहां से, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है पॉइंट। लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि लैक ओपेरॉन 100% कभी बंद नहीं होता, थोड़ा बहुत चलते रहता है, थोड़ा बहुत सिस्टम चलते रहता है, 100% ऑफ नहीं होता, रेट कम होता है, स्विच ऑफ कहने का मतलब रेट स्लो है, थोड़ा बहुत ओपेरॉन चल रहा है, थोड़ा बहुत परमिएज बन रहा है, थोड़ा बहुत बनेगा तो थोड़ा बहुत परमिएज भी बनेगा, जिससे कि कुछ लैक्टोज अंदर आ जाएंगे, जिससे कि कुछ लैक्टोज अंदर आ जाएंगे, यानी कि किसी तरह से कुछ लैक्टोज अंदर आ गया। अब देखिए काम, यहां देखिए, अब देखिए क्या होगा, अब समझिएगा चीजों को। स्ट्रक्चरल जीन याद है ना, जेड वाई एंड ए, ठीक है। अब बताइए ध्यान से, यहां पास क्या था भाई, ऑपरेटर, ठीक है, यहां पास क्या था भाई, प्रमोटर, दिस द प्रमोटर, ठीक है। इससे दूर में एक जीन था जिसका नाम था लैक आई, जिसे मैं रेगुलेटरी जीन कहता हूं, क्योंकि इसी ने तो रेगुलेट किया है, इसी ने तो सिस्टम को ऑफ कराने के लिए रेगुलेट किया है, और इसका भी एक कौन है भाई, प्रमोटर। अब मुझे सिस्टम को ऑन करना है, क्योंकि ग्लूकोज खत्म हो चुका है और मजबूरी में लैक्टोज को तोड़ना है। अब लैक्टोज को तोड़ना है तो मुझे कैसे तोड़ेंगे भाई, तो किसी तरह से गलती से कुछ लैक्टोज अंदर आ गए, देखते। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर से बाइंड किया, लैक आई के पास, लैक आई ने ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, याद आ रहा है, एमआरएनए से क्या बने भाई, प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, जो साइज में काफी बड़ा होता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन, ध्यान से सुनना, रिप्रेसर प्रोटीन रेडी है कहां जाने के लिए, ऑपरेटर के पास, बार बार बन रहा है। देखो लैक आई जीन एनसीईआरटी ने क्या ले, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, यानी इसका एक्सप्रेशन लगातार होते रहता है, यानी बना, ये लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बनते रहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन लगातार बन रहा है। रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, ऑपरेटर से जाके ब्लॉक होता है, फिर हटता है, फिर से बनता है, फिर से ऑपरेटर से ब्लॉक होता है।
अब ध्यान से सुनना, रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही जाएगा कहां, ऑपरेटर से बाइंड करने के लिए, ऑपरेटर से बाइंड करने के लिए, तो देखो ध्यान से क्या हो, सर सिस्टम तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन का एक और साइट है, एक और साइट है ना, ध्यान से सुनना, रिप्रेसर प्रोटीन के पास आएगा एक शुगर जिसका नाम है लैक्टोज। याद करो, किसी तरह से कुछ लैक्टोज अंदर आ गए थे, ये लैक्टोज क्या करेगा, जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा और उसके एसोसिएशन को लूज करेगा, यानी ये लैक्टोज शुगर है, ये कौन है बोलो, लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर गया रिप्रेसर के पास और उसको हिला रहा है, भाई ना लूज करो हटाओ हटो यहां से, तो इतना लूज करेगा कि थोड़े देर के बाद में ये रिप्रेसर पूरी तरह से हट जाएगा। अब सोचो, रिप्रेसर अगर यहां से हट गया, यानी लैक्टोज ने क्या किया, जबरदस्ती पकड़ा, लैक्टोज ने पकड़ा रिप्रेसर प्रोटीन को, हटा दिया वहां से। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ही हट गया, अब कहानी तो समझ में आ गई, यानी कि अब ऑपरेटर फ्री हो चुका है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, आगे स्लाइड करेगा, क्योंकि अब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है, वो तो हट चुका है लैक्टोज के आने से। अब बोलो, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, अब ऑपरेटर फ्री है, अगर ऑपरेटर फ्री है तो ये देखो आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करके आगे बढ़ गया, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेंगे, और यही तीन तरह के प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। तो सिस्टम क्या हुआ, ऑन हुआ या ऑफ हुआ, सिस्टम क्या हो गया भाई, सिस्टम हो गया ऑन, हो गए सिस्टम ऑन हो गया, क्यों, क्योंकि पहले सिस्टम था ऑफ और तुमने क्या डाला बाहर से, लैक्टोज के डालने से ही सिस्टम हो गया ऑन। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो, लैक्टोज के चलते ही सिस्टम ऑन हुआ, तो लैक्टोज का नाम पड़ा इंड्यूसर, लैक्टोज का नाम पड़ गया इंड्यूसर। अब कुछ समझ में आई बात, अब देखो सिस्टम ऑन हो गया, मतलब तेजी से काम कर रहा है। अब ढेर सारा परमिएज बना और परमिएज अब ढेर सारा बनेगा तो परमिबिलिटी को बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे और लैक्टोज अंदर आएंगे, और लैक्टोज अंदर आएगा तो धीरे धीरे ढेर सारे लैक्टोज अंदर आने लगे, और लैक्टोज क्या करेगा, बार बार जाएगा रिप्रेसर को लूज करके हटाएगा, रिप्रेसर से गया लूज करके हटा दिया, तो रिप्रेसर ही अगर हट गया तो क्या होगा, ऑपरेटर फ्री हो गया, आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करेगा, सिस्टम तेजी से ऑन होने लगेगा। अब बताओ मुझे, क्लियर हो गई यहां पर चीजें, कब होगा ऑन कब होगा ऑफ समझ में आ गया, फटाफट बोलो यहां पास, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब चीजें आसान है, हम लोग टफ कर देते हैं। यहां देखो अब ध्यान से एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां देखो ध्यान से, इधर देखना, ध्यान से देखना ना, यहां पर Z, Y और A, यहां पर कौन है ऑपरेटर, यहां पर कौन है प्रमोटर, ठीक, यहां पर कौन सा जीन था लैग आई, जिसे मैं रेगुलेटरी जीन कहता हूं, यहां पर कौन है, इट इज द प्रमोटर। ध्यान से सुनना, कई सारी चीज बताऊंगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, लैग आई से बाइंड किया और यहां बने एक एमआरएनए। ध्यान से सुनो, लैग आई ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाया, एमआरएनए। तो जीन का एक और नाम होता है सिस्ट्रॉन, तो इस जीन ने, लैग आई जीन ने क्या बनाया बोलो, जीन का एक और नाम है सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन से एक एमआरएनए बना, इसीलिए नाम पड़ा मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक सिस्ट्रॉन से, यानी एक जीन से एक एमआरएनए का बनना मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। अब ये एमआरएनए क्या बनाएगा बोलो, प्रोटीन बनाएगा, इस प्रोटीन का नाम रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ऑपरेटर से जाके ब्लॉक होगा, एक बार नहीं बनेगा, ये लगातार बनेगा, इसलिए ऐसे जीन को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ऐसा जीन जिसका एक्सप्रेशन लगातार होते रहे, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन,
क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं करोगे। या इसी का एक और नाम होता है हाउसकीपिंग जीन, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है हाउसकीपिंग वर्ड, कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड दिया है हाउसकीपिंग जीन। अब बताओ रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंड करेगा, आंसर करो रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेटर पे झपट्टा मारा, और यहां कौन अवेलेबल था, यहां कौन अवेलेबल था, यहां अवेलेबल थे लैक्टोज, तो लैक्टोज ने पकड़ लिया और वहां से लूज करके हटा दिया। तो अब बताओ ऑपरेटर अगर फ्री है, ऑपरेटर अगर फ्री है तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आया, ऑपरेटर फ्री है, आगे बढ़ा। ध्यान से सुनना, इस बार देखो तीन जीन है जेड वाई और ए, जीन का एक और नाम होता है सिस्ट्रॉन, जीन का एक और नाम होता है सिस्ट्रॉन। तो यहां पर तीन सिस्ट्रॉन ने मिलकर के एक एमआरएनए बनाया, तीन सिस्ट्रॉन है, एक सिस्ट्रॉन नहीं है, तीन सिस्ट्रॉन, तीन जीन यानी तीन सिस्ट्रॉन, एक एमआरएनए बनाया, ऐसे जीन को कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब समझ में आई भेजे में बात, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट ना, मोर देन वन जीन एक एमआरएनए बनाए पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक जीन एक एमआरएनए बनाए मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब बताओ ठीक है एमआरएनए बन गया, अब बताओ एमआरएनए से क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, प्रोटीन बनेगी, यही प्रोटीन तीन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और सिस्टम क्या हो गया, ऑन हो गया या ऑफ हो गया, आंसर सिस्टम हो गए ऑन हो गया। क्लियर है, अब मुझे बताना ध्यान से, ध्यान से मुझे बताना, क्या ये जीन लगातार अपना एक्सप्रेशन कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल जो जीन है क्या इसका एक्सप्रेशन लगातार हो रहा है, नो, जब जरूरत पड़ रहा है तभी हो रहा है, ऐसे जीन को कहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जब जरूरत पड़ा, जब शुगर ग्लूकोज खत्म हो गए तब मजबूरी में से ऑन किया गया, हमेशा ऑन नहीं किया गया, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और ये वाला देखो लगातार अपना एक्सप्रेशन करा रहा था, तो इसका नाम था कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्लियर है, और जिसका एक्सप्रेशन लगातार ना हो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अब मुझे बताओ रिप्रेसर प्रोटीन के ऐड होते ही सिस्टम ऑन हुआ या ऑफ हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड किया तो सिस्टम ऑन हुआ या ऑफ हुआ, बताओ, बताओ रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड किया तो सिस्टम ऑन हुआ या ऑफ हुआ। हाँ चलो आप देखो बच्चे लोग समझ में आ गया, यानी रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही बाइंड करेगा सिस्टम ऑफ होगा, इसी को एनसीईआरटी कहता है नेगेटिव रेगुलेशन। एनसीईआरटी में यही वर्ड है नेगेटिव रेगुलेशन, ब्लैक ऑपेरॉन अंडर द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि रिप्रेसर से जैसे ही जाकर के ऑपरेटर से बाइंड किया सिस्टम को ऑफ कर दिया, तो इट इज नोन एज अ नेगेटिव रेगुलेशन।